मेरे पास ना ये ऑरेंज वाली गाजर आई थी, तो मैंने कहा चलो इन्हीं का हलवा बना लेते हैं। मेरा बहुत तेज से मन कर रहा था, और कल न्यू ईयर है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, अच्छा बनेगा। और हाँ, अच्छा बनता है, अपन अच्छा बनाओगे तो अच्छा ही बनेगा। आपको छील के और थोड़ा सा छोटे साइज में काट के और थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है, मतलब दो दो तीन तीन बार रोक रोक के बीच बीच में। और ये जो थोड़े थोड़े से पीसेस बचेंगे ना, इनको हम निकाल देंगे अलग से, जब दोबारा ग्राइंड करेंगे तो उसमें डाल देंगे। और दरदरा सा ग्राइंड होगा, अगर हम रुक रुक के मतलब बार बार बीच बीच में स्विच करेंगे ना, तो ये अपने आप बहुत बढ़िया तरीके से ग्राइंड हो जाएगी, दरदरी टाइप से, मतलब पूरे तरीके से नहीं होगी, जैसे हमें चाहिए उस तरीके से होगी। फिर आपको कढ़ाई में डालना है घी 2 चम्मच, अच्छे से करना है गर्म। ठंड थी तो देखो जम के रखा था घी, मुझे डालने में भी दिक्कत हो रही थी, मतलब निकल ही नहीं रहा था। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, हम अपनी गाजर को डाल देंगे, ग्राइंडेड गाजर को, और इसको लगभग 7 मिनट के लिए भून लेना है, 5-7 मिनट के लिए, क्योंकि गाजर का हलवा टाइम तो सही में बहुत लेता है, लगभग 1 घंटा मुझे लगा बनाने में इसको, लेकिन बना, हाँ टेस्टी बहुत है। हाँ, कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑरेंज वाली गाजर है, जो देसी गाजर होती ना उससे कलर थोड़ा सा चेंज होता। जैसे ही गाजर हमारी भुन जाएगी 5-7 मिनट में, तो हम मलाई वाला 1 गिलास दूध डाल देंगे इसमें। अगर आपके पास 1 गिलास नहीं है तो आप आधा गिलास भी डाल सकते हो, उससे भी चल जाएगा। फिर बस इसको चढ़े रहन देना है लगभग 20 से 25 मिनट तक, और ऐसे ही चलाते रहना है बीच बीच में देख देख के। और इसको कुकर में भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ, कढ़ाई का टेस्ट शायद थोड़ा अच्छा आता है। थोड़ा सा मुझे ना, मतलब जो शादियों वाला होता ना, उस तरीके का थोड़ा सा टेक्सचर चाहिए था, मतलब वैसा वाला टेस्ट चाहिए था, तो मैंने कहा वैसे ही बनाते हैं कढ़ाई में ही। फिर दोबारा थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच घी डाला, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं घी अगर नहीं खाते हैं तो, अदरवाइज़ घी डालोगे तो एक तो टेस्ट अच्छा आएगा, थोड़ा सा कलर भी अच्छा सा चेंज हो जाता है, और मतलब खुशबू बहुत अच्छी आती है घी से। घी से ही टेस्ट पूरा मतलब डिपेंड करता है, कि घी जितना अच्छा घी में भुनेगा उतना अच्छा टेस्ट देगा। अच्छे से भूनना है मैं घी में, इस तरीके से हमारा भून के तैयार हो जाएगा, मतलब जो कढ़ाई है ना उसको छोड़ने लगेगा एकदम से, इस तरीके से भून के तैयार हो गया। ये ऑरेंज वाली गाजर है ना, तो उसका ऐसा कलर आया है, और मैं कलर पाउडर डालना ज़्यादा पसंद नहीं करती। जैसे ही कंप्लीट बन जाएगा ना, तो हम 2 चम्मच शक्कर डाल देंगे। गाजर थोड़ी मीठी थी इसलिए मैंने ज़्यादा मीठा, मेरे घर में कोई खाता नहीं है, तो थोड़ी सी शक्कर डाली मैंने 2 चम्मच, और बस 3 से 4 मिनट के लिए हमें शक्कर में भून लेना है। पूरा पूरा मुझे 1 घंटा लग गया है, 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा थी उतनी गाजर के हलवे में, और टेस्ट बहुत अच्छा बना है। फिर ऊपर से आप थोड़ा सा घी में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे तो अच्छा लगेगा, वैसे ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। और मेरे पास थोड़ा सा पिस्ता रखा था और थोड़ा सा बादाम रखा था, उसी को डाल दी ऊपर से सैफ्रॉन डाल के, और खाना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके भी बताना कैसे बना। थैंक यू।